बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर उसामा सईद। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में निकालें और अपने साथ रफ नोटबुक भी रखें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ और फिर इसको नीट नोटबुक में भी राइट करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल एक्सीड, ये एक्सीड है बुक में आप देखें, एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3 सेंटीमीटर इफ द हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आप सबको राइट एंगल ट्राइंगल का आइडिया क्लियर है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे साथ एक एंगल 90 का होता है। अच्छा स्टूडेंट, 90 के सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और बाकी दो जो रहते हैं गिवन एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ जो हमारे साथ 90 और गिवन एंगल के दरमियान जो साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब उसी ट्राइंगल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडिया पे लेके आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो अगर आप कंडीशंस को पहले देखें और इसको समझें तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3 सेंटीमीटर। एक साइड से दूसरा तब बनता है कि उसके साथ अगर 3+ किया जाए। आसान लफ्ज़ों में सुने कि अगर आप एक साइड के साथ 3 को प्लस करें तो वो दूसरी साइड से बढ़ जाएगा। मतलब एक, अगर आप इस तरह समझ लें कि 3 है तो उसके साथ आप मज़ीद 3 को प्लस करें तो वो दूसरा साइड बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर उसने आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और आपको कह रहे कि इस ट्राइंगल के जो दो मज़ीद साइड रह गए लाजमी बात है एक परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस, उनको फाइंड करें। तो हमने इसको सॉल्व किया है कि लेट एक साइड को हमने कह दिया x सेंटीमीटर, तो बाय कंडीशंस अदर साइड क्या बन जाएगा, एट दर साइड 3 उसके साथ ऐड करें तो x प्लस 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब उसने तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी है, ये काइंडली इसको आप फिर ठीक लिखें, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 15 सेंटीमीटर। तो जब भी आपके जहन में राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो उधर आपके पास एक थ्योरम इस्तेमाल होता है, डेट इज पिथागोरस थ्योरम। आप अगर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी मदद से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो उसने दी है ना 15, तो 15 लिख कर उसका स्क्वायर। चलिए हमने एक को बेस कह दिया जो हमने कंसिडर किया है, ये वाला चले बड़ा है तो इसको बेस कह दिया, तो बेस का स्क्वायर, और इसको हमने परपेंडिकुलर कहा तो बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो डेट इज एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। इसको अब मैं सॉल्व करूँगा तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और इस पे अगर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करें, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से आपके पास बनेगा ये, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। मजीद सॉल्व करें, 225 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 3 स्क्वायर इज 9, 236 एक्स अपनी जगह पे एंड एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। इसको मजीद सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x² प्लस 6x प्लस 9, 225 इस साइड पे आ जाएगा, तो माइनस 225 प्लस 9 माइनस 225 इज माइनस 216। इस पूरे एक्सप्रेशन से आप 2 को कॉमन निकालें और फिर बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। This is a quadratic equation and you can solve it by sum and product rule. जिससे 108 आना चाहिए, माइनस 108 आता हो और प्लस 3x आता हो, so it is by 12x and माइनस 9x. तो इसकी हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल से स्प्लेटिंग की।
फर्स्ट ग्रुप से आप x को कॉमन निकालें, सेकेंड ग्रुप से आप माइनस नाइन को कॉमन निकालें, अगेन टेकिंग x प्लस ट्वेल्व एज कॉमन, सो डेट इज x माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो. यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी डेट इज x प्लस ट्वेल्व इक्वल जीरो और x माइनस नाइन इक्वल जीरो. सोल्व दिस फॉर x, डेट इज x x इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एंड x इक्वल्स टू प्लस नाइन. अच्छा, तो एक साइड हमारे साथ ट्राइंगल का नाइन हो गया, इस वाले को अवॉइड कर देंगे. तो हमारे साथ दूसरा साइड नाइन के साथ आप थ्री प्लस करें, क्योंकि उसने कहा कि इंक्रीज बाय थ्री, सो नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व. तो एक साइड उस ट्राइंगल का नाइन है जबकि दूसरा ट्वेल्व है. इस नाइन और ट्वेल्व को आप एक को बेस कह दें, दूसरे को परपेंडिकुलर कह दें, और फिर इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो नाइन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर से क्या आता है, उससे वही आंसर आएगा जो उसने दिया है. तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई होगा. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर हमारे साथ क्वाड्रेटिक एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमें एक साइड मिला है, तो बाकी दो साइड हम यूज़ कर फाइंड कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए. उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट कर देगा और उसको सॉल्व करने से हमारे साथ वो दो मजीद साइड्स फाइंड हो सकते हैं. ओके, नो कम टू क्वेश्चन नाइन. डेट इज द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन सेंटीमीटर आर x माइनस वन एक्स एक्स प्लस टू. फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल. स्टूडेंट, आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड x माइनस वन है फर्ज करें, दूसरा x है और तीसरा x प्लस वन है. ये गलती से इधर x प्लस वन लेकर इधर राइट रह गया है. तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक साइड x माइनस वन शो करे, दूसरा x शो करे, तीसरा x प्लस वन शो करे, तो फिर आप इस सिचुएशन में हमें ये तीनों साइड्स कैलकुलेट करके दे दे. अब अगेन उसने राइट ट्राइंगल की बात कर दी है. अच्छा, तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा परपेंडिकुलर होता है. तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. तो x प्लस वन इसमें सबसे बड़ा है, तो x प्लस वन को हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लेंगे, और वो बाकी दो जो रह गए x माइनस वन, x को अदर साइड परपेंडिकुलर एंड बेस कह देंगे. सो लेट x माइनस वन एंड x आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड हाइपोटेन्यूज इज x प्लस वन. अच्छा स्टूडेंट, अब इस पे भी वही पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो यूजिंग पिथागोरस थ्योरम डेट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने दी है x प्लस वन स्क्वायर, बेस चले आप इसको कह दे डेट इज x माइनस वन साइड को कह दे x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस अपनी जगह पे परपेंडिकुलर आप x लगाए, उसका भी स्क्वायर कर दे, इधर स्क्वायर रहेंगे आप स्क्वायर लगा लें. इस वाले पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बनेगा. इस पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बनेगा. ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे. मजीद इसको आप सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर और ये वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन इज टू. एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर इज वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. इन सब को आप सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स आगे आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस टू एक्स इसके बाद आ जाएगा, ये माइनस टू एक्स है, ठीक है, प्लस वन. अब ये सारे टर्म उधर शिफ्ट करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा. अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जस्ट रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो रह जाएगा. इन दोनों से आप एक्स को कॉमन निकालें, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, से इधर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. सो आप माइनस एक्स को इक्वल्स टू जीरो कर देते, एक्स की वैल्यू जीरो, या एक्स की वैल्यू आप इधर से सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू फोर आ जाए. अब हमें पता है कि ट्राइंगल बनता है तो इसका तो जीरो साइड नहीं हो सकता है ना, तो हम कहेंगे कि एस साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी जीरो. सो वो साइड तो चले एक्स
है डेट इज 4, एक साइड 4 हो गया, तो कंडीशन लगाए x माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 तो तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल की तीन साइड x इक्वल्स टू डेट इज 4 सेंटीमीटर, दूसरा x प्लस 1 5 सेंटीमीटर हाइट पोटिन्यूस हो गया, और ये तीसरा भी इधर ये लिखा है 4 3 एंड 5 आर द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप रिजल्ट में लिख के कि 4 3 एंड 5 आर द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन 10 दैट इज अ शेपर्ड बॉट सम गॉड्स फॉर रुपीज 90,000। एक गडरिया है, उसने कुछ गॉड्स खरीदी 90,000 रुपीज पे। इफ ही हैड रुपीज 1,000 लेस फॉर ईच गॉड ही वुड गॉट 3 मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। आपको क्या कह रहे हैं कि अगर वो हर एक गॉड में 1,000 रुपीज कम दे तो फिर वो तीन मजीद गॉड्स को खरीद सकते हैं उसी मनी से। हाउ मैनी गॉड्स डिड ही बाय विन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। अच्छा, वो कितने गॉड्स खरीद सकता है जब ये पैसों में फर्क नहीं आएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप फिर ज़रा सुन लें। एक गडरिया है, वो सम गॉड्स मीन्स कि कुछ बकरियाँ खरीद रहे हैं 90,000 पे। अगर वो हर एक बकरी में 1,000 रुपीस कम दे तो वो तीन मजीद गॉड्स खरीद सकते हैं उसी मनी से। आप इस गॉड्स की कीमत को फाइंड करें। अच्छा, अब हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ गॉड्स जो वो शेपर्ड खरीद रहे हैं वो एक्स है। सपोज द नंबर ऑफ गॉड्स बॉट बाय द शेपर्ड आर एक्स। उसने एक्स गॉड्स खरीदे और उसने एक एक गॉड के लिए कितने पैसे दिए, चलिए उसको हमने वाई कह दिया। फिर अगर मैं आपको एक आम मिसाल ले दूं कि आप 10 रुपीस का एक बुक ले रहे और आपने 10 बुक लिए तो 10 10 इज 100, टोटल आपने 100 रुपीस के लिए है। तो वही सेम सिचुएशन, इसने हर एक गॉड के लिए जो कीमत ली है और वो कितने गॉड्स इसने लिए है तो वो टोटल 90,000 की इसने ली है। तो इसलिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो उससे ये अमाउंट बनेगा। जिस तरह मैंने आपको बुक्स की मिसाल दी कि 10 10 इज 100, तो इसलिए नंबर ऑफ गॉड्स और अमाउंट पेड पर गॉड की मैंने प्रोडक्ट कर ली और इससे हमें 90,000 मिलेगा। डेट इज ही पेड 90,000 फॉर दिस ऑल गॉड्स। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन आपको मैं दोबारा ज़रा बता देता हूँ कि अगर वो 1,000 रुपीस हर एक गॉड में कम दे तो वो तीन मजीद गॉड्स खरीद सकते उसी मनी से। सो इफ़ द शेपर्ड, इधर आप शेपर्ड लिखे, हैड पेड 1,000 लेस पर गॉड देन द अमाउंट विल बी y माइनस 1,000, क्योंकि अमाउंट को मैंने तो y का है ना, तो आप इस y से 1,000 निकाले तो वो y माइनस 1,000 बनेगा। तो फिर वो मजीद कितनी गॉड्स खरीदेगा, 3 मोर, तो फिर अमाउंट उस सिचुएशन में y माइनस 1,000 हो जाएगा और वो मजीद 3 गॉड्स खरीदेगा। सो देन द नंबर ऑफ गॉड्स विल बी x प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट, अब कंडीशन इस पे भी लगाए, वही बुक्स की मिसाल 10 10 इज 100, या चले इस सिचुएशन में तो आपके नंबर ऑफ गॉड्स x प्लस 3 है तो x प्लस 3, और अमाउंट पेड पर गॉड्स इज y माइनस 1,000, सो y माइनस 1,000 इक्वल्स टू वही 90,000 के आएंगे, सो इक्वल्स टू 90,000। अच्छा स्टूडेंट, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और वो वाला लीनियर है, तो उस लीनियर से ज़रा आप y की वैल्यू कैलकुलेट करें। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस लीनियर से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बोथ साइड को x पे डिवाइड करें तो y इक्वल्स टू 90,000 डिवाइडेड बाय x। इससे ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल्स टू 90,000 डिवाइडेड बाय x। ये थर्ड इक्वेशन उठा के इस वाले में आप पुट करें तो x प्लस 3 अपनी जगह पे, y की जगह पे थर्ड इक्वेशन डेट इज 90,000 डिवाइडेड बाय x माइनस 1,000 इक्वल्स टू 90,000। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें x प्लस 3, और इसको एलसीएम की मेथड से करें, x एलसीएम हो गया और ये x के साथ प्रोडक्ट में आ जाए, ये इसके साथ जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये कैंसिल होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 90,000 बनेगा। इसके साथ इसकी
डिवीजन करके ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1000 बन जाएगा, 1000x = 90000। अच्छा मजीद फिर हमने क्या किया है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया है तो इससे x+3 × 90000 - 1000x = 90000x बन गया है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, x को इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो ये पूरा बन गया है। और ये 90000x इस साइड पे आके ये 90000 - 90000x बन गया है। इस पूरे को आप सोल्व करेगा एनली तो आपके पास बनेगा -3000x - 1000x² + 27000 = 0। इस पूरे से आप 1000 को कॉमन निकालें और फिर बोथ साइड को 1000 पे डिवाइड करें, -1000 पे डिवाइड करें, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा x² + 3x - 270 = 0। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद इस इक्वेशन को हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। तो आप ऐसे दो नंबर तलाश करें जिसके प्रोडक्ट से -270 आता हो, उन्हीं से ऐड करने से 3x आता हो, सो डेट इज -15x + 18x। अच्छा फर्स्ट ग्रुप से आप x को कॉमन निकालें, सेकंड से आप 18 को कॉमन निकालें, अगेन टेकिंग x - 15 इज कॉमन, सो वी हैव गेट विथ जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी डेट इज a.b = 0, सो इधर a = 0 और b = 0, सो x = 12 and a = -18। निगलेक्ट x = -18, सो द नंबर ऑफ गॉड्स आर 15। तो अगर वो हर एक गॉड में 1000 रुपीज़ कम दे तो वो मैं मजीद इससे 15 गॉड्स खरीद सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इधर आपके लिए एक टास्क है, अगर आप बुक में देखें तो उधर उन्होंने ये 9000 दिया है जबकि मैंने आपको 90000 से करवाया है। तो अब आपका टास्क ये है कि x = 9000 पे आप ये कर लें। अच्छा स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को फिनिश किया, काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें और इसको नीट नोटबुक में भी राइट कर दें। थैंक यू।